हेलो एवरीवन होप यू आर फिट एंड फाइन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड लेसन फ्रॉम फ्लेमिंगो फ्लैमिंग डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस डीप वाटर विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जो कि उसकी बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन में से लिया गया है उसमें वह उस समय के बारे में बताता है जब वह तीन या चार वर्ष का था और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समंदर तट पर तैरने के लिए गया था हालांकि वह अपने पिता को अच्छे से पकड़े हुए था फिर भी समुंदर की लहरें उसे गिरा देती हैं उसके ऊपर से गुजर जाती हैं और वह पानी के अंदर दब सा जाता है दूसरा जब वह दस या ग्यारह वर्ष का था वह एक स्विमिंग पूल पर गया वहाँ उसे एक लड़ एक लड़का जो है वो पानी में गिरा देता है यहाँ राइटर जो है वो मरते मरते बचता है इस प्रकार पानी के प्रति डर उसके मन में बैठ जाता है हालांकि वह इस डर को निकालने के कई प्रयत्न करता है पर हर बार वह जो डर है वो वापिस आ जाता है यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा गया अंश सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज टेन और इलेवन इयर्स ओल्ड लेखक बताता है यह बात तब हुई जब वह दस या ग्यारह वर्ष का था आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम मैंने तैरना सीखने का फ़ैसला किया था देर वॉज अ पूल एट दाई एम सी ए वाई एम सी ए की फुल फॉर्म है यंग मैनस क्रिश्चन एसोसिएशन इन याकिमा जो कि याकिमा याकिमा में है याकिमा इज़ अ प्लेस इन वाशिंगटन यू एस ए तो याकिमा में वाई एम सी ए के अंदर एक तालाब था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी जो ठीक ऐसा अवसर देता था द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस फ्रेचरस मीन्स डेंजरस याकि माँ नदी काफ़ी खतरनाक थी मदर कॉन्टीन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट लेखक की जो माँ हैं सदा उसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर और हर डूबने की दुर्घटना का विस्तृत वर्णन लेखक के दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी बट द वाई एम सी पुल वॉज सेफ परंतु अगर वाई की बात करें तो वह काफ़ी सुरक्षित पुल था इट वॉज ऑनली टू और थ्री फीट डीप एट द शेलो एंड तो शेलो एंड मीन्स जो उथला किनारा था उस पर तो वह केवल दो या तीन फुट ही गहरा था एंड वाइल इट वॉज नाइन फीट डीप एट द अदर हालांकि दूसरे किनारे पर यह नौ फुट गह था। the drop was drop means गहरा था द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल ड्रॉप मीन्स जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी मतलब धीरे धीरे बढ़ती थी I got a pair of water wings and went to the pool. यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि मैंने एक water wings का जोड़ा लिया और pool की ओर चल पड़ा। He got a pair of water wings to prevent drowning. सिर्फ डूबने से बचने के लिए ही उसने जो है वो water wings का पैर लिया था। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगें जो हैं उनको दिखाने में काफ़ी नफरत थी जो राइटर था उसको काफ़ी नफरत थी बट आई सब ड्यूड सबड्यूड मीन्स कंट्रोल बट आई सब ड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और ऐसा ही किया क्या किया एक्चुअली ही डिड नॉट लाइक टू वेयर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम विच एक्सपोज हिज हिस्स थिंग लैक्स बट एज ही कीन टू स्विम

दिस स्टार्टेड when आई was थ्री और फोर years ओल्ड यह तब से आरंभ हुई थी जब मैं तीन या चार साल का था एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुन्दर तट पर ले गए थे ही एंड आई stood टुगेदर इन द सर्फ ही मीन्स इज़ फादर तो यहाँ पर लेकर बताता है कि वह और उसके पिताजी दोनों ही लहरों के बीच में खड़े थे आई हंग on टू हिम मैंने उन्हें पकड़े आ, मैं उन्हें पकड़े हुए था येट द वेज नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ड ओवर मी फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई आई वॉज़ व्यूरड इन वाटर वाटर मैं पानी के अंदर दबसा गया था माई ब्रेथ वॉज गोन जो मेरी सांस थी वो रुक गई थी आई वॉज फ्रिटेंड मैं डर गया था फादर लाफ्ट पिताजी हंसे बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स ओवर पावरिंग मीन्स जो हरा देने वाली शक्ति जो थी पावर थी ओवर पावरिंग फोर्स जो थी वह तो वो कह रहे हैं कि बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव परंतु लहरों की जो पराजित करने वाली शक्ति का जो डर था वो मेरे दिल में था my इंट्रोडक्शन to the YMCA swimming pool revived स्विमिंग पूल रिवाइव्ड memories मेमोरीज unpleasant memories मतलब जो दुखद यादें हैं एंड स्टर्ड चाइल्डिश फेयर तो यहाँ पे राइटर कहता है कि मेरे वाई एम सी ए के पूल के जो इंट्रोडक्शन ने उसकी जो इंट्रोडक्शन थी उसने दोबारा से उसकी अनप्लीजेंट मेमोरीज को क्या कर दिया दोबारा से रिवाइव कर दिया पुनर्जीवित कर दिया और उसके जो बचपन के डर को जगा दिया बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस पर कुछ देर में ही मुझ में आत्मविश्वास आ गया कॉन्फिडेंस आ गया आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स मैंने अपने नए वाटर विंग्स को पहनकर तैरना आरम्भ किया वॉचिंग द अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों को देखते हुए एंड ट्राइंग टू लर्न by एपिंग them और नकल करके सीखने का प्रयत्न किया एपिंग एपिंग होता है नकल करना तो नकल करके सीखने का प्रयत्न किया आई डिड दिस टू और थ्री टाइम ऑन डिफरेंट डेज मैंने दो तीन बार अलग अलग दिनों में ऐसा किया एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन the water. और मैंने पानी में अच्छा महसूस करना आरंभ ही किया था कि बिगनिंग टू फील एट ईज आरंभ ही किया था वैन द मिस एडवेंचर हैपन की दुर्घटना जो थी वो घट गई आई वेंट टू दूल वैन नोवन एल्स वॉज देयर जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं पूल पर पहुँचा वहाँ पूल पर गया द प्लेस वॉज क्वाइट वो जो जगह थी वो बिल्कुल शांत थी सन्नाटा था वहाँ पर द वॉटर वॉज स्टिल पानी शांत था एंड द टाइल्ड वाटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथरब और जो उसका तल था उसमें जो टाइल लगी हुई थी वो वाइट थी जिस तरह की बाथ टब की सफ़े बाथ टब की जो बॉटम होती है वो बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद होती है इस प्रकार से उस पूल के जो टाइल वो बॉटम था वो बिल्कुल साफ था आई वॉज़ टिमिड अबाउट गोइंग इन अ लोन लेकिन मेरे अंदर डर था मैं मेरे अंदर वहाँ पे अकेला था तो कहीं ना कहीं मतलब पूल में जाने का डर मेरे अंदर था सो so, आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर्स इसीलिए दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब में तालाब की मतलब एक तरफ बैठ गया आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग वन इट केम अ बिग ब्रूज़र ब्रूजर होता है एक हस्की मैन बहुत लंबा तगड़ा या बॉक्सर टाइप जो लड़का था वो वहाँ पर आया आई हैड नॉट बिन देयर अ लॉन्ग सॉरी आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग वैन इट केम अ बिग ब्रूज़र ऑफ अ बॉय प्रोबेबली एटीन ईयर्स ओल्ड Uh, यहाँ पे राइटर कहता है कि मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी कि एक काफ़ी पावरफुल लड़का वहाँ पे आया जो कि लगभग अठारह वर्ष का होगा ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती पर घने बाल थे ही वॉज़ अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमन स्पेसीमन मीन्स एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल ही वॉज अ व्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमन स्पेसिमन का मतलब होता है एग्जाम्पल वह सुंदर स्वास्थ्य का एक एग्ज़ाम्पल था विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉर्ट रिपलिंग मसल्स उसकी टांग और उसकी जो बाजू की जो मांसपेशियाँ थी जो मसल थे वो रिपलिंग थे, मतलब लहरा रहे थे ही यर्ड वह चिल्ला कर बोला उसने वह चिल्लाया हाई स्किनी ओए पतलू हाउ डू यू लाइक टू बी डग तुम पानी में छलांग लगाना चाहेगा क्या विथ दैट ही पिग मी अप एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड बस इसी के साथ उसने जो राइटर को उठाया और उसे पूल के जो डीप एंड था गहरा जो एंड था उसकी तरफ फेंक दिया आई लैंडड इन अ सिटिंग पोजिशन तो जो राइटर है क्योंकि वो बैठा हुआ था तो उसने उसको ऐसे ही उठा के गिरा दिया था तो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है कि आई लैंडड इन अटिंग पोजिशन कि मैं बैठे होने की अवस्था में ही गिरा स्वेलड वाटर पानी को निकला एंड वेंट एट वॉन्स टू द बॉटम और फौरन उसके बॉटम मतलब तल पर पहुँच गया आई वॉज फ्रिटेंड मैं डरा हुआ था बट नॉट येट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई वेट्स पर मैंने अभी अपने होश नहीं खोए थे हालांकि डरा हुआ जरूर था लेकिन अगर बात करें कि होश खो देने की अभी होश नहीं खोए थे उसको सेंस थी इस चीज़ की कि वो पानी के अंदर जा रहा है ऑन द वे डाउन आई प्लांड नीचे जाते हुए मैंने एक प्लान बनाया एक योजना बनाई वैन माई फेट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जम्प उस वो प्लान क्या था योजना क्या थी कि जब मेरे पैर तल को छूएंगे उस बॉटम को छुएंगे तो मैं ऊपर की ओर छलांग लगाऊँगा कम टू द सर्फेस सतह पर आऊँगा लाइफ फ्लैट ऑन इट इस पर लेट जाऊँगा एंड पैडल टू द एच ऑफ द पूल और पूल के किनारे तक तैरता हुआ पहुंच जाऊंगा तो मतलब उसने बहुत ही आसान तरीके से ये सोच लिया था कि जैसे वो पानी के नीचे जा रहा था कि उसने अपने वेटनी खोए थे उसको ये लग रहा था कि इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट गो गो ऑन अगेन ऑन द सरफेस तो उसने uh, मतलब योजना बना ली थी कि जैसे ही वो उसके जो पाँव थे वो तल को छूएंगे और वो छलांग लगाएगा इससे वह सतह पर आ जाएगा और वह सतह पर आके सरफेस पर आके वो लेट जाएगा और उसके बाद तैरता हुआ वह के पुल के किन पुल के किनारे पर पहुंच जाएगा इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन नीचे जाते हुए काफ़ी देर लगती हुई महसूस हुई उसे दो से नाइन फीट वर मोर लाइक नाइन्टी अब वो जो नौ फुट थे वो उसे नब्बे फुट जितने लगे एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू वर्स्ट और इससे पहले कि मैं तल को चौथा मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे बट वैन माई फीट हिट बॉटम आई सम ऑल माई स्ट्रेंथ तो यहाँ पे राइटर कहता है कि जैसे ही उसके पाँव ने उसके बॉटम को उसके तल को उस जो पूल के तल को छुआ तो आई समल माई स्ट्रेंथ तो मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की एंड मेड वट आई थाट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अ वर्ल्ड और फिर मेरे विचार में मैंने एक बहुत ही बड़ी छलांग जो थी वो ऊपर की तरफ लगाई आई इमेजिड आई वुड वॉब वॉब होता है फ्लॉट फ्लॉट करना तैरना आई इमेजन आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क मैंने इमेजिन uh, किया कि मैं एक कार्क की तरह सतह पर उछल कर आ जाऊँगा इंस्टड इसके विपरीत आई केम अप स्लोली मैं तो धीरे धीरे ऊपर आया आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वॉटर मैंने आँखें खोली और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा वॉटर डैट हैलो टेंज होता है अ ट्रेस ऑफ कलर तो वाटर दैट अ डर्टी येलो टेंज टू इट पानी जो एक मैला पीले रंग लिए हुए था पीले रंग मैले पीले रंग का था तो आई ग्रू पैनिक की मैं पैनिक की हो गया मतलब बौखला गया आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लचड ओनली एट वाटर्स मैंने ऊपर हाथ किए मानो एक रस्सी पकड़ने के लिए और मेरे हाथों में केवल पानी ही आया I was suffocating, मेरा दम घुट रहा था I tried to yell, yell means cry, तो मैंने uh, but no sound came out, मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज़ नहीं निकली Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. तो यहाँ पर उसने कहा कि मेरी आँख और जो नाक थे वो तो पानी से बाहर आ गए लेकिन मेरा मुँह पानी से बाहर पानी के बाहर नहीं आया आई फ्लेल्ड फ्लेल्ड मीन्स वेव्ड आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर मैंने पानी की सतह पर हाथ पाँव पटके स्वेलड एंड चौकड स्वेलड मीन्स पानी को निगला और चौक चौकड होता है ब्लॉक और जो मेरा गला था वो ब्लॉक हो गया था बंद हो गया था आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की बट दे हंग एज डेड वे पर वो एक डेड वेट मतलब एक निर्जीव जो बोझ है वो बनी लटकी रही दे हंग वो लटकी रही पैरालज एंड रिजिड पैरालाइज्ड होता है लकवा ग्रस्त लकवे लकवा हो जाना तो पैरालाइज्ड एंड रिजिड मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो उसकी टांगे हैं वो बिल्कुल लकवाग्रस्त हो चुकी हैं और रिजिड हो चुकी हैं कठोर हो चुकी हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक बोझ बनी हुई थी लटकी हुई थी अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी आई स्क्रीम्ड बट ऑनली दाटर हर्ड मी मैं चीखा पर मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी आई हैड स्टार्टिड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल तो उसने कहा कि पूल के जो बॉटम की तरफ उसकी जो एक लंबी यात्रा थी वो दोबारा उसने शुरू कर दी क्योंकि अब वो ऊपर सतह के ऊपर नहीं टिक पाया तो डेफिनेटली उसकी जो टांगे थी वो भी उसके लिए बोझ लगने लगी थी तो दोबारा से एक बार तो वो ऊपर आ गया लेकिन उसके बाद दोबारा से वो नीचे तल की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन अब दोबारा नीचे जाते हुए मैंने पानी को स्ट्रक किया धकेला एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट फाइट एन Irresistible फोर्स तो मैंने अपनी शक्ति कहते हैं उस तरह से लगाई लगा रहा था जैसे कि कोई भयानक सपने में किसी इरेसिस्टिबल फोर्सिस्टिबल फोर्स होता है मतलब ऐसी शक्ति जिसको आप हरा नहीं सकते तो ऐसी शक्ति से वह लड़ रहा हो ऐसे उसको लग रहा था कि वो ऐसी अपराज्य शक्ति से लड़ रहा था आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ मेरी सांस फूल चुकी थी माई लंग्स एग्ड मेरे फेफड़ों में लंग्स में दर्द हो रहा था माई हेड थ्रॉब्ड थ्रॉब होता है यहाँ पे मीन्स थ्रॉब्ड मीन्स इसको कह सकते हैं पेल्पिटेटेड और बीट धड़कना काफ़ी ज़्यादा बीट हो बढ़ चुकी थी उसके uh, सिर में माई हेड थ्रॉब्ड आई वॉज गेटिंग डिजी आई वॉज गेटिंग डिजी मतलब अब उसको चक्कर आने शुरू हो चुके थे ही फेल्ट uh, गिरी यू ऑल्सो तो मतलब उसने बताया कि आई वॉज गेटिंग डिजी मुझे चक्कर आ रहे थे बट आई रिम्बर द स्ट्रेटी पर मुझे प्लान याद था स्ट्रेटजी जो थी वो प्लान जो था वो मुझे याद था आई वुड स्प्रिंग फ्राम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कार टू द सर्फेस वो ये कहता था कि मैं पूल के तल के तल से ऊपर को कूदूंगा और कार की तरह सतह पर आ जाऊँगा और वो लाइव फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स थ्रैश मीन्स स्ट्राइक तो वो टांगों से स्ट्राइक करेगा तो उसने मतलब सोच रखा था कि वह पानी के ऊपर सीधा लेट जाए जाएगा अपनी बाजुओं से वह पानी को काटेगा और टांगें मारेगा देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ और इस प्रकार उसने कहा कि मैं पूल के ऊपर किनारे पर आ जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली मैं नीचे नीचे लगातार चलता गया आई ओपनड माई आईज मैंने अपनी आँखें खोली नथिंग वट वाटर विद अ येलो ग्लो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू पर पीले पानी के अतिरिक्त उस और कुछ भी नहीं था अंधेरा सा डार्क वाटर अंधेरा सा पानी दैट कुड दैट वन कुड नॉट सी थ्रू जिसके पार कुछ नज़र नहीं, uh, नहीं आता था ऐसा पानी ही था और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड देन शेयर स्टार्क टेररसीज मी शेयर मीन्स ओनली स्टार्क मीन्स एक्सट्रीम तब उसने कहा कि एन देंश स्टार्क टैर सीज मी और तब मतलब घोर भय ने जो डर ने मुझे काबू कर लिया टैर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग वह डर जहाँ जो समझ जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो काम नहीं करती टैर दैट नोज नो कंट्रोल और वह डर जो काबू के बाहर हो जाता है नो कंट्रोल नोज़ नो कंट्रोल टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट और वह डर जो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उस डर को एक्सपीरियंस किया होगा उस डर को अनुभव किया हो आई वॉज श्रीग्ड अंडर वाटर मैं पानी के नीचे चीख रहा था आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो गया था लकवाग्रस्त हो गया था स्टिफ रिजिट विद फियर डर से आ, पूरी तरह से Uh, क्या हो गया था स्टिफ हो गया था रिजिड हो गया था डर से कठोर हो गया था बिल्कुल इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन इवन उसने कहा कि जो गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड हाउंड पाउंडिंग मीन्स बीटिंग और थ्रॉपिंग तो उसने कहा कि ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेट दैट आई वज स्टिल अलाइव केवल मेरा दिल और मेरे सिर की जो थ्रॉबिंग थी जो बीटिंग थी वही बता रही थी कि मैं अभी जीवित था एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टीजन और तब डर के मिडल में मध्य में ताकत लगाने का विचार आया आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वन आई हिट द बॉटम जब मैंने तल को छूआ तो मुझे कूदना याद आया एट लास्ट आई फेल्ट टाइल्स अंडर मी आखिरकार मैंने अपने नीचे टाइलें महसूस की माई टोज रीचड आउट एज इफ टू ड्रैव दैम मेरे पैरों की उंगलियाँ ऐसे पहुँची जैसे उन्हें पकड़ना हो आई जम्प विद एवरी थिंग आई हैड और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा कर पूरी शक्ति से मैं कूदा बट द जम्प में नो डिफरेंस लेकिन उस कूदने से उस जम्प से कोई फ़र्क नहीं पड़ा द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी पानी अभी भी मेरे चारों ओर ही था आई लुक फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स अब मैंने अब रस्सी मतलब रस्सी को और लेडर्स को जो सीढ़ियाँ हैं या वाटर विंग्स को ढूँढा नथिंग विट वाटर परंतु कुछ नहीं था सिवाय पानी के मास ऑफ येलो वाटर हेल्डमी पीले पानी का जो मास था जो बोझ था वो मुझे जगड़े हुए था हेल्डमी उसने मुझे पकड़ा हुआ था स्टार्क टेरर टुक एंड इवन डीपर होल्डोन मी तो जो स्टार्क मतलब घोर डर ने मुझे और भी गहराई से जकड़ लिया था टुक तो एन इवन डीपर होल्डर में मतलब कि गहराई से जकड़ लेना तो लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली के तेज़ चार्ज की तरह आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फिट मैं हिला और डर के साथ कांपा माय आर्म्स वर मूव मेरी जो बाजुएँ थी वो हिलती नहीं थी माई लेग्स वर्ल्ट मूव मेरी टांगें नहीं हिलती थी आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैंने इस मतलब हेल्प के लिए पुकारने की कोशिश की टू कॉल फॉर मदर माँ को पुकारने की कोशिश की नथिंग हैपन्ड कुछ नहीं हुआ एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट और तब वहाँ अजीब तरीके से रोशनी थी आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर मैं इस भयानक पानी से बाहर आ रहा था एट एटलीस्ट माई आईज वर कम से कम मेरी आँखें तो बाहर थी माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू मेरी नाक भी लगभग बाहर थी देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम फिर मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू हुआ आई सर्क फॉर एयर एंड गॉट वाटर मैंने हवा को अंदर खींचा Uh, खींचने की कोशिश की आई सेग फॉर एयर एंड गॉट वाटर मैंने हवा, हवा को अंदर खींचने की कोशिश की और मुझे उसकी जगह क्या मिला सिर्फ पानी द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट जो पीली रोशनी थी वो जा रही थी देन ऑल एफर्ट सीज तब सभी जो एफर्ट थे जो प्रयत्न थे वो समाप्त हो गए आई रिलैक्सड मैंने आराम किया इवन माई लेग्स फेल्ट लिब मेरी टांगें जो आप थी वो लिम्ब मतलब अपंग महसूस हुई एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन और मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया इट वाइबड आउट फीयर उस कालेपन ने क्या किया कि इट वाइबड आउट माई फियर उसने उसके डर को दूर कर दिया इट वाइबड आउट टेरर्स और इसने इवन जो उसका भय था उसको पूरी तरह से टेरर को भी ख़त्म कर दिया था दूर कर दिया था देर वॉज नो मोर पैनिक अब और बौखलाहट हाँ नहीं थी पैनिक नहीं था इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल मतलब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और शांति थी नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डरने के लिए कुछ भी नहीं दिस इज़ नाइस यह है, अच्छा है अब यहाँ पे क्या अच्छा है उसने कहा कि दिस इज़ नाइस क्या अच्छा है यहाँ पे टू बी ड्राउज़ी उसने कहा कि अच्छा है टू बी ड्राउज़ी मतलब निंद्राजनक होना टू गो टू स्लीप नींद में चले जाना नो नीड टू जम्प कूदने की कोई ज़रूरत नहीं टू टायर्ड टू जम्प छलांग लगाने के लिए बहुत अधिक थका हुआ इट्स नाइस टू बी कैर जेंटली इतनी कोमलता से ले जाता हुआ कि उसको अच्छा लग रहा था टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस खाली जगह में तैरना टेंडर आर्म्स अराउंड मी मेरे चारों ओर कोमल बाहें टेंडर आर्म्स टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स कोमल के जैसे माँ की बाजुएँ होती हैं ऐसे कोमल बाजुएँ नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप अब मुझे सोना पड़ा

ऑवरीविन क्रोजिविन मीन्स फॉर वट एवरी थिंग वह कहता है कि वह सब कुछ भूल गया था एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल और जीवन का जो कर्टन था जो पर्दा था uh, गिर गया था द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग अगली बात जो मुझे याद थी वह यह थी कि मैं उल्टी करता हुआ अपने पेट के बल्ब पूल के किनारे लेटा हुआ था द चैप That threw me in the in was saying chap means वह लड़का the chap that threw me in was saying वह लड़का जिसने मुझे वहाँ पे फेंका था वो ये कह रहा था कि uh, but I was only fooling वो कह रहा था कि परंतु मैं तो केवल मजाक कर रहा था someone said किसी ने कहा the kid nearly died बच्चा मरते मरते बचा be all right now अब सब ठीक हो जाएगा let's carry him to the locker room चलो इसे locker room में ले चलते हैं सेवरल आवर्स आर्स लेटर आई वॉकड होम कई घंटों बाद मैं घर गया आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग मैं कमज़ोर था और काँप रहा था आई शुक एंड क्राइड वेन आई लेन माई बेड जब मैं बिस्तर में लेटा तो मैं कांपा और इवन रोया आई कोडेंट ईट दैट नाइट मैं उस रात को खा नहीं पाया फोर डेज हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट कई दिनों तक मेरे दिल में वह डर जो था वो छाया रहा द स्लईट एग्जर्शन एक्जर्शन मीन्स फिज़िकल और मैंटल एफर्ट उसने कहा द स्लाइटेस्ट एग्ज्रेशन अपसेट मी थोड़ी सी भी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी मेकिंग मी बॉबली बॉबली होता है लड़खड़ाना इन नीज़ मेकिंग मी बॉबली इन नीज़ तो वो जो छोटी सी भी मेहनत थी वो उसको परेशान कर देती थी और उसके घुटने जो थे वो नीज़ जो थे वो लड़खड़ाने लगते एंड सिक टू माई स्टमक और जो पेड़ था वो बीमार सा लगता था आई नेवर वेंट बैक टू दूल उसके बाद मैं कभी पूल में नहीं गया आई फीएड वाटर मुझे पानी से डर लगता था आई अवॉइडिड इट वेन एवर आई कुड और जहाँ तक हो सकता था पानी से दूर रहने की मैं कोशिश करता था फ्यू ईयर्स लेटर वैन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कास्केट कास्गकेट सोते हैं वाटरफॉल तो उसने कहा कि अ फ्यू ईयर्स लेटर वैन आई केम टू नो द वॉटर्स ऑफ कास्केट मतलब कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरनों के पानी को देखा कास्केट के पानी को देखा आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैम तब मैं उनमें जाना चाहता था एंड वैन एवर आई डिड और जब भी मैंने ऐसा किया कैसा मतलब जब जैसे भी वो पानी में गया वेदर आई वॉज़ वेडिंग वेडिंग होता है मीन्स uh, चलना वॉक विद एफर्ट थ्रू वाटर तो वैन एवर सॉरी वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को लांगना हो वीडिंग करना हो और बातेंगे इन वाम लेक ऑफ द गोट रॉक्स या फिर गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो द टैर डैट हेट सीज मी इन दूल वुड कम बैक और वही जो टैर था वो जो आतंक था जो उसको पूल में मिला था डर जिससे वो डरा था पुल में वो उसको पूरी तरह से सीज कर लेता था पकड़ लेता था उसको अपने आ, मतलब चगुल में पकड़ ले जकड़ लेता था इन द पूल वुड कम बैक वो वही डर जो मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जब भी वो कभी पानी में होता था तो जो इंसिडेंट उसका पूल में हुआ था वो उसके दिमाग में हावी हो जाता था उसके ऊपर और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने ग्रिप में पकड़ लेता था और ही वॉज़ अनएबल टू डू एनी मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाता था पानी में ओके इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली मैं पूरी तरह से मतलब उस डर के वश में हो जाता था माई लेग्स वुड बिकम पैरलाइज्ड मेरी टांगें पैरलाइज्ड हो जाती थी आई सी हॉर वुड ग्रैव माई हार्ट एक जो आई सी हॉर था एक बर्फीला जो डर था वो मेरे दिल को जकड़ लेता था मीन्स आफ्टर सम ईर्स विलियम केम टू नो ऑफ अ वाटर काफ़ी मतलब उसको जब वाटरफॉल के बारे में हम इसको नेशनल में कह सकते हैं कि वैन ही कम टू नो अबाउट द वाटरफॉल फॉल ही वॉन्ट टू गो इन इट सो वैन एवर ही वेंट फॉर स्विमिंग इन डिफरेंट रिवर्स लाइक टीटन और वम्पिंग रिवर और वाम लेक ऑफ द और इवन अदर थिंग द फियर ऑफ द वाटर रिटर्न जब भी वो इस तरह की किसी जगह में जाता तो वो जो डर था वो इट uh, रिटर्न uh, वो वापस आ जाता था इट वुड ग्रैव हिम कंप्लीटली तो This handicap stayed with me as the as the years rolled by. साल पर साल बीतते गए परंतु तो ये जो हैंडी था ये जो अपंगता थी वो उसके साथ बनी रही इन कैनोज कैनोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक लैंड लॉक होता है Salmon, बाई लैंड सामन सामन एक टाइप है फिश की तो वो कह रहे हैं कि मेन की झीलों में जो कैनोस uh, हैं जो नौकाएँ हैं उनमें बैठकर वह ज़मीन से घिरी uh, सामन मछली को पकड़ना देन बाँस फिशिंग इन न्यू हम्पशायर न्यू हम्पशायर में बास मछली को पकड़ना ट्राउट फिशिंग ऑन द डोट्स डेशोट में ट्राउट मछली को पकड़ना एंड मेटोलियस इन और औरगॉन में मेटोलियस को पकड़ना फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया एट वाम्पिंग लेक इन द कास्ट्स कोलंबिया और वाम्पिंग लेक के झरनों में सामन को पकड़ना वेर एवर इवेंट जहाँ भी जाता द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी तो वो बता रहा है कि चाहे वो कहीं पर भी चले जा चाहे वो फिशिंग के लिए जाता है चाहे वह स्विमिंग के लिए जाता तो वहीं जो हॉन्टिंग फेयर था पानी का वो उसके पीछे उसका पीछा करता रहता था इट रियोन माई फिशिंग ट्रिप्स उसने मतलब उसके जो मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर दिया कर देता था डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ़ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर देना तो वो कहता है कि डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ़ कैनोइंग बाथिंग एंड स्विमिंग मुझे छोटी या बड़ी नाव चलाने में और या तैरने में जो आनंद आता था जॉय था वो उससे वो वंचित रहता था वह नहीं कर पाता था एक्चुअली द फेयर ऑफ वाटर रिमेन विद विलियम एज ए ग्री ऑफ ऑन द बोटिंग ट्रिप्स टू डिफरेंट लेक्स इन द मेन रीज़न लाइक यू उसने जैसे बताया हुआ है कि न्यू हेम्पशायर है डेश्यूर्स है या मेटोलियस है कोलम्बिया है कोलम्बिया या बम्पिंग लेक जहाँ पर वो फिशिंग करता था मतलब अलग अलग वराइटीज़ की जो फ़िश थी नेम जिस जो उसके नाम भी बताए हुए हैं यहाँ पर कि कौन कौन से फिश थी उनके uh, जैसे सामन थी बास थी ट्राउट थी तो जो डर था वो उसका पीछा करता था और उसके जो फिशिंग ट्रिप को क्या करता था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था नेक्स्ट वो कहता है कि आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर मैंने अपने इस भय पर काबू पाने के लिए वह हर तरीका अपनाया जो मैं जानता था बट इट हेल्ड मी फॉमली इन इट्स ग्रिप पर इसने मुझे जकड़े रखा फाइनली वन अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम आखिरकार एक अक्टूबर में मैंने मतलब तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को लेने की लेने का निर्णय लिया आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एंड आर ईच डे बस फिर क्या था मैं एक पूल पर जाकर एक वीक में पाँच दिन प्रतिदिन एक घंटे तक अभ्यास करता था द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड मी जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन ऑन एन ओवर हैड केबल जो वो रस्सी बंधी होती थी ना उस बेल्ट से बेल्ट से जो एक रस्सी बंधी होती थी और पे एक पुलिस से होकर जाती थी जो कि सिर के ऊपर से एक तार की रस्सी पर चलती थी ही हैड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ और हम आगे पीछे आते जाते रहते बैक एंड फोर्थ एकरोस दूल पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ आवर आफ्टर आवर्स डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक मतलब घंटे के बाद घंटा दिन के बाद दिन हफ्ते के बाद हफ्ते मतलब बीतते चले गए ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ अ पैनिक सीजमी पूल के आर पार की जो हर यात्रा थी ठीक है नहीं तो वो क्या करती थी कुछ ना कुछ उसके के दौरान उसके मन में कुछ ना कुछ जो भय था वो बना रहता था ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स इज होल्ड ऑन द रोप हर बार जब जो इंस्ट्रक्टर <coughs> था वो रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता एंड आई वेंट अंडर और मैं पानी के अंदर चला जाता सम ऑफ द ओल्ड टैरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज मेरे पुराने भय का कुछ अंश लौट आता और मेरी जो टांगी थी वो जम जाती इट वॉज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक स्लैक मीन्स लूज तो कहता है उसको टेंशन को लूज़ होने में तनाव को कम होने में तीन महीने लग गए देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल तब उसने मुझे पानी के अंदर मुँह डालकर सांस छोड़ना सिखाया एंड टू रेज़ माई नोज़ एंड इनहेल और फिर नाक उठा कर सांस लेना आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैंने यह एक्सरसाइज सैकड़ों बार जो है रिपीट की बिट बाई बिट I शेड part of the panic that seized me when my head went under water. फिर क्या था उसके बाद धीरे धीरे उस डर का जो पार्ट था वो निकल उसके दिमाग में से निकल चला निकल जाता था और जो उसको पानी के अंदर सर डालने से महसूस होता था Next he held me at the side of the pool and had me kick with my leg. उसके बाद पूल के किनारे पर मैं मुझे पकड़े रहता और मैं पानी में टाँगें मारता For weeks I did just that. हफ्तों तक मैं मैं यही करता रहा एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया था एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स पर धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी तनाव से मुक्त होने लगी एंड फाइनली आई कुड कमांड देम और अंत में मैं उन्हें अब कमांड दे सकता था आज्ञा दे सकता था अपनी टांगों को दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर इस प्रकार उसने छोटे छोटे पीस में एक मुझे एक स्विमर बना दिया एक तैराक बना दिया एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस और जब उसने वो छोटे छोटे पीसेस को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया ही पुट दैम टुगेदर इन टू एन इंटीग्रेटेड हॉर और फिर उन्होंने उसको जोड़कर एक पूर्ण रूप से एक क्लियर uh, रूप से स्विमर बना दिया इन अप्रैल ही सेड अप्रैल में उसने कहा यू कैन स्विम तो अब तुम तैर सकते हो डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल जाओ डाइव करो गोताल लगाओ और पुल पूर की पूरी लंबाई तैर कर पार करो क्रॉल और स्ट्रॉक किसी भी तरीके से तो क्रॉल स्ट्रॉक जो है वो टेक्निक्स हैं स्विमिंग की तो उसने कहा कि किसी भी तरीके से तुम जाके गोताल लगाओ और पुल की जो पूरी लंबाई है उसको तैरकर पार करो इन दें वी कैन से फाइनली द इंस्ट्रक्टर मेड ए स्विमर आउट ऑफ ऑफ विलियम इन फेसिस बट नॉट मीन्स एक ही बार में नहीं है बट ही मेड विलियम

टैर चिकन वैन आई वॉज अ इन द पूल मैं अब भी मतलब डरता था कि कहीं पूल के अंदर अकेले होने पर मैं डर तो नहीं जाऊँगा आई ट्राइड इट मैंने ऐसा करके देखा आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन मैं पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक और फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर गया टाइनी वेस्ट वेस्ट होते हैं मार्क और विजिबल साइन तो टाइनी वेस्टेज ऑफ ओल्ड टैर वुड रिटर्न पुराने डर के छोटे चिन्ह लौटाया करते थे मतलब वो उसका डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर पर अब मैं त्योड़ियाँ चढ़ा कर फ्राउन मीन्स आँखें जो त्योड़ियाँ चढ़ाना तो त्योड़ियाँ चढ़ा कर मैं गुस्से से मतलब कह सकता था उस डर को कह सकता था ट्राइंग टू तो स्केयर मी ए, अच्छा तो मुझे डराना चाहता है वेल well, ठीक है हे टू यू चलो तुम्हारे नाम पर ही लुक देखो एंड ऑफ आई वुड गो फॉर नदर लेंथ ऑफ द पूल और फिर मैं दोबारा उस पूल को तैरने के लिए पार चला जाता था दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड जुलाई तक यही काम चलता रहा मगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा डर खत्म हो गया है सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्पशायर इसलिए मैं न्यू हेम्पशायर की लेक वेंटवर्थ पर गया डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रग्स आइलैंड और ट्रग्स आइलैंड में डॉक से कूदा एंड स्वैम टू माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड और दो मील झील में तैर तैर कर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँचा आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रॉक साइड स्ट्रॉक एंड बैक स्ट्रॉक मतलब मैंने वो सभी तैरने के तरीके अपनाए जो मैं सीखा था ओनली वंस डिड द टेर रिटर्न केवल एक बार जो डर डर लगा वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक वो कब लगा डर जब मैं झील के बीच में था आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट bottomless वाटर तब मैंने क्या किया कि पानी के अंदर अपना सिर डाला और मुझे बॉटमलेस पानी के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मी वो जो पुरानी सेंसेशन uh, थी भावना थी वो छोटे रूप में नेचर रूप में लौट आई आई लाव एंड सैड मैं हंसा और बोला वेल मिस्टर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी तो आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं आतंक साहब इट फ्लैट आई इट स्वेम ऑन और इट फ्लैट मतलब कि जो डर था वो भाग गया एंड आई स्वैम ऑन और मैं तैरता हुआ आगे चला गया येट आई हैड residual डाउट फिर भी मेरे मन में शंका का अंश बाकी था रेजल होता है अंश अवशेष एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर गया वेंट अप द टीटन टू तो कॉनराड मीडो मीडोस फिर टीटन से ऊपर कॉनराड मीडोज तक गया अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू तो मीड ग्लेशियर उसके बाद कोनराड ग्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो मीडो होता है ग्रास लैंड तो एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक और वार्म लेक के किनारे जो काफ ऊँची चरागाह में उसने क्या किया पड़ाव डाला कैंप कैंपिंग की वहाँ पे द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ट्राइबड अगले दिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया आइस ड्राइव मतलब उसने कपड़े उतारे डाइव इन टू द लेक और झील में गोता लगाया एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर कर ही वापस आया जस्ट एज डग कार्पन यूज टू डू बिल्कुल वैसा ही जैसे कि डर कारपन ने जो डग कार्पन था वो यूज़ टू डू मतलब डग uh, कार्पन किया करता था आई शाउटेड विद जॉय मैं खुशी से चीख पड़ा एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न द इको और जो गिलबर्ट पीक ने गूंज कर उसी चीज को दोहराया आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर मैं अपने पानी के डर के ऊपर अब विजय पा चुका था द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी इस जो एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ था एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रीशिएट इसको सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार के डर को जाना था और उनके ऊपर विजय हासिल कर ली थी इन डेथ देर इज पीस देर इज पीस मौत में एक शांति होती है देर इज टैर ओनली इन द फर ऑफ डेथ तो उसने कहा कि जो डर है डर तो केवल मृत्यु के भय में ही होता है मीन्स द एक्सपीरियंस हैड ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन विलियम्स लाइफ ही रिलइज़ दैट डेथ वॉज पीसफुल एंड ऑनली द फीयर ऑफ डैथ वॉज फीयरफुल एज रूजवेल्ड न्यू वेन ही सेड जैसा कि रूजवेल्ड जानता था जब उसने कहा ऑल वी हैव टू फीयर इज फेयर इट सेल्फ हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेर दट फीयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस क्योंकि मैंने मरने का और मरने के डर के कारण पैदा होने वाले डर दोनों का ही अनुभव किया था द विल टू लिव समहाव ग्रू इन इंटेंसिटी जीवित रहने की जो इच्छा थी कुछ अधिक ही तेज हो गई थी एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज अंत में मुझे uh, मुक्ति का अनुभव हुआ फ्री टू वॉक द ट्रेल्स ट्रेल्स होता है पगडंडियाँ तो उसने कहा कि मैं आज़ाद था अब पगडंडियों पर चलने के लिए एंड क्लाइम द पीक्स और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए एंड टू ब्रश अ साइड और सबसे बड़ी बात कि डर को एक तरफ छोड़ देने के लिए